नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल RC बस AC एंड ट्रेवलर इंटीरियर मॉडिफिकेशन पर। आज एक और गाड़ी हम लेके आए आपके सामने, 3700 व्हील बेस, 17 सीटर जो आती है, 3700 व्हील बेस, लेकिन गाड़ी 1x1 है आपकी। 1x1 में 11 सीट गाड़ी बनी है और फिक्स ब्लॉक हेड रैक फ्रंट बम्पर एंड ग्रिल जो भी गाड़ी में हो सकता हो, फुल जो हमारी एसेसरीज होती है वो सारी एसेसरीज हमने इस गाड़ी में डाली है। इसके बाद हमारे पास कुछ और देने को नहीं रह जाता है। एक क्लास है, हेड रैक है, बम्पर ग्रिल है, 1x1 सीट है, तो सारी चीज़ें हमने इसमें लगाई है, डाली है 1x1 के साथ में। सीट का कैसा लुक है, इंटीरियर कैसा है, वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। इसके बाद में जो गाड़ी हमने बनाई, रेडी करी, जो हमारे कस्टमर साथी हैं उनसे एक बार मीटिंग करेंगे तो क्या उनका फीडबैक है, क्या वो कहते हैं देख के कि कैसा है, कुछ कमियाँ जो भी वो बताते हैं, कुछ कमी नज़र आती है तो उसको भी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो ग्रिल, बम्पर और ग्रिल मेटेलिक कलर, सिल्वर ग्रे बोल सकते हैं लेकिन डार्क सिल्वर में मेटेलिक कलर है। नीचे बम्पर की बात करते हैं तो बम्पर वाइट के साथ में ग्रे। पहले डिसाइड किया था कि इसमें ब्लू, कस्टमर की भी थोड़ी सी एक चॉइस थी ब्लू, लेकिन ब्लू सही नहीं लग के सिल्वर ग्रे जो बहुत ज़्यादा गाड़ी में डिमांड में है, तो हमने फिर इसमें ग्रे किया है। इसको हम सिल्वर बोलते हैं लेकिन ग्रे आप बोल सकते हैं। ग्रे मेटेलिक में, बीच में बम्पर के नीचे भी ग्रे है, सिल्वर है, और इससे मैच करते हुए आप देखेंगे टॉप पे लगेज कैरियर पे ऊपर, तो वहाँ पर भी हमने वो सेम जो कॉम्बिनेशन वो बनाया। आप देखें इसमें ये जो डिज़ाइन है ये वी शेप में मिलते हुए ऊपर तक चला गया है, तो ये मैचिंग करता है वहाँ पे जाके। फ्रंट ग्रिल यहाँ से स्टार्ट किया हमने, अब थोड़ा सा एक्सटीरियर में दिखाते हुए आपको चलते हैं और अंदर में किस तरह का उसमें इंटीरियर है उसको देखते हैं। तो ये जो आपको बताया कि ये जो डिज़ाइन है वी शेप में, आप देखें ऊपर जाके पूरा कंप्लीट हो जाता है, ऊपर सिल्वर कलर में हमने ऊपर भी डिज़ाइन दिया है। ये फ्रंट व्यू, साइड में थोड़ा सा चलते हैं। साइड में गाड़ी फिक्स क्लास है, 3700 व्हील बेस 1x1 सीट के साथ में, और साइड में एक्सटीरियर में डिज़ाइन गन टाइप डिज़ाइन हम इसको बोलते हैं। तो ये साइड व्यू है, पूरा गाड़ी का फुल व्यू पैक ग्लास के साथ में। फिक्स ग्लास के साथ में गाड़ी का जो लुक है वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। बस थोड़ा सा एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी को मान लीजिए वोमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह सफ़र में आती है, उसके लिए थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट बस आ जाता है। बाकी फिक्स ग्लास के साथ में गाड़ी की लुक बहुत जबरदस्त निकल के आती है। फिक्स ग्लास के साथ में गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अगर 1x1 बनती है तो समझिएगा कंपलसरी फिक्स ग्लास होना ही होना है, क्योंकि 1x1 के साथ में जो लुक आता है वो फिक्स ग्लास का ही आता है। ये बैक में हम आते हैं, तो बैक में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा रेगुलर हमारा रहता है, ऊपर लगेज कैरियर, पीछे जो डोर है उन पर फिक्स ग्लास, सीढ़ी हो गई, नीचे लेग गार्ड हो गया। और राइट साइड में अगर चलते हैं तो राइट साइड में सेम जैसा डिज़ाइन लेफ्ट में था वो सा ही गन टाइप ब्लू के साथ में, ब्लू विद सिल्वर, ये राइट में। और राइट में हम बात करते हैं तो ये राइट साइड का ड्राइवर साइड का फुल व्यू, ये आप देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा एक बार अंदर चलते हैं, अंदर में दिखाते हैं। इसमें हेड रैक, आगे पेपर रैक जिसको फाइल रैक भी बोल सकते हैं, 1x1 सीट, फिक्स ग्लास, बम्पर ग्रिल, फुल कंप्लीट जो पैकेज बनता है वो पूरा इस गाड़ी के अंदर है। इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है जो गाड़ी में लगाया जाए। ये फ्रंट व्यू फुल, अगर फ्रंट व्यू हम देखें तो ये फुल व्यू गाड़ी का और फ्रंट से। अब चलते थोड़ा गाड़ी के अंदर में, गाड़ी के अंदर एक बार देखते हैं। ये गाड़ी के अंदर हम जाते हैं तो कंडक्टर डोर, इसका जो कवर है फाइबर में डबल कलर में, इनोवा क्रीम और पर्ल वाइट, वुडन हैंडल, वुडन हैंडल का आपकी बार भी कलर चेंज है, आप देख सकते हैं ब्राउन टाइप का है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी थोड़ा सा फ़ोटो में, वीडियो में ब्लैक टोन में दिख रहा होगा क्योंकि धूप से फ़ोटो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नीचे आपका जो है पेपर वगैरह रखने के लिए स्टोरेज, और साथ में बगल में यहाँ 1 लीटर का पानी का बॉटल। गाड़ी के अंदर चलते हैं तो पूरा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आप देखिए, डैशबोर्ड की लुक पूरा, आपका फर्स्ट एड बॉक्स, ये आपका सिलेंडर, फायर सिलेंडर, एक सिलेंडर गाड़ी में हम लगा के देते हैं।
सेफ्टी पर्पस के लिए। ये पूरा डैशबोर्ड का व्यू, ये फुल डैशबोर्ड का व्यू है, आप देख सकते हैं पूरा फुल व्यू। सारे कंट्रोल स्विच डैशबोर्ड के ऊपर ही, ये आप देख सकते हैं मिंडा जो स्टीरियो है मिंडा। ये पूरा कंट्रोल स्विचेस हमारे, स्टीयरिंग ये आपका लेदर कवर के साथ में। और इसमें जो हमने बोला आपको हेड रैक के साथ में प्लस पेपर रैक भी इसमें है, तो आपको पेपर रैक और दिखाते हैं। ये आप देखें यहाँ से ये फुल टॉप में पेपर रैक, फाइल रैक इसको आप जो भी बोलें। गाड़ी 12 सीटर पासिंग में थी तो इसलिए लेफ़्ट साइड का सनमाइजर नहीं है और कंडक्टर का सीट नहीं है। हालांकि ये चीज़ें हम बाद में इसमें कस्टमर जो है हमारे वो बाद में ऐड करेंगे। ये पूरा डैशबोर्ड के साथ में अब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। हमको बीच में वीडियो को रोकना पड़ा, होल्ड किया, क्योंकि हमारे जो पेंटर साहब है थोड़ा सा एक कहीं थोड़ा सा ब्लैक धब्बा स्पॉट लग रहा था, उसको साफ़ करने के लिए आए थे। अब ये देखिएगा पूरा फ्रंट जो आपका जो है इंटीरियर का फुल व्यू, सीटें वन बाय वन बेज विद ग्रे कलर में। आपका सीट का जो गेटअप है आप देखिए, बीच में बेज कलर, साइड में ग्रे, ये वन बाय वन आपकी 11 सीट में। वैसे सीट 8 है लेकिन पीछे अगर सोफ़ा काउंट करते हैं तो 11 सीटर ये गाड़ी बन जाती है। सीट का गेटअप आप देख सकते हैं, ऊपर का व्यू पूरा इंटीरियर। कई बारी हमने आपको बताया है, फिर बताते हैं कि हमारा जो हेड ट्रक के साथ में है ये डिज़ाइन बहुत डिमांड में। हेड ट्रक बहुत सारी गाड़ियों में, मैक्सिमम गाड़ियों हम लोगों ने हेड ट्रक दिया है, क्योंकि हेड ट्रक से एक तो गाड़ी का लुक पूरा बनता है और छोटा छोटा जो आपका बैग्स वगैरह लेडीज़ का कैरी बैग, छोटे छोटे जो कैरी बैग होते हैं वो आपके स्नैक्स वगैरह जो चिप्स वगैरह के पैकेट हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, तो इसलिए हेड ट्रक की डिमांड है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एसी वेंट भी है और दो इसमें हमने लाइटें दी हैं, रीडिंग लाइट। अगर आपने गाड़ी में आने के बाद रीड करना है तो आप उसको भी देख सकते हैं, लाइट ऑन कीजिए और आप अपनी सीट पर बैठ कर बुक को रीड कर सकते हैं, आपको लाइट कहीं और नहीं मिलेगा। बैक में चलते हैं थोड़ा सा। सीट का गेटअप आप देखिए, कलर अभी जो है बहुत ज़बरदस्त कलर, ग्रे विद बेज में, और पूरा गाड़ी का जो इंटीरियर है, अभी हमने कोई लाइट गाड़ी की ऑन नहीं कर रखी, थोड़ा सा अभी लाइट ऑन करेंगे, एक दो लाइट ऑन करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। पूरा जो फुल व्यू है ये इंटीरियर का आप देखिए, ज़रा पर्ल वाइट लाइट जलाओ भाई, बीच की ओर जलाओ, ब्लू को बंद कीजिए, पर्ल वाइट वाली बीच वाली, हाँ एक और जलाइए बस। ये अभी वन वाइट जो लाइट है, मैंने अगर शायद पर्ल वाइट बोला हो लाइट को, वन वाइट, ये लाइट ऑन किया अभी हमने। और पीछे जाते हैं थोड़ा सा, म्यूजिक सिस्टम की हम बात करते हैं तो म्यूजिक सिस्टम JBL, हम आपको हमेशा बोलते हैं JBL मतलब JBL। ये 650 का है तो इसमें ग्रिल पर JBL का लोगो नहीं है, लेकिन इसके अंदर में JBL का लोगो है। अगर आप देख पाएँ और मैं दिखा पाऊँ आपको, यहाँ पे एक रेड कलर में लिख रहा है JBL अंदर में, क्योंकि 650 है इस गाड़ी में, 650 लगाया हम, नॉर्मली 550 लगाते हैं लेकिन इसमें बड़ा लगाया हमने। तो ये JBL दोनों लेफ्ट राइट में, ये स्टोरेज बॉक्स आपका, और ये पूरा नीचे आपका सोफ़ा है। इस सोफे पे आपके जो फोर पर्सन जो है आराम से बैठकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रेड कलर का एक हैमर है, फिक्स ग्लास गाड़ी में एक हैमर दिया हुआ कि अगर आपको इमरजेंसी में कभी नीड है तो आप इसको कवर को तोड़ कर इसमें जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा फ्रंट में आपको दिखाते हैं, बैक से रोलर कटर वो भी हम लोगों ने इसमें डाला है। ये अभी मैंने ऑन कर दिया, रोलर कटर को लगा दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी लाइट जो है, सनलाइट जो है उसको
रोकता है रोलर कर्टन, अगर इसको हम हटा देते हैं तो बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर में लाइट आती है। तो अभी तो लाइट अच्छा है, धूप अच्छा है, सर्दी का मौसम, लेकिन गर्मी के अंदर में धूप सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है रोलर कर्टन दिया जाता है कि आपको अगर सिटी में है या सिटी के बाहर है तो आप यूज़ कीजिए, सिटी में आते उसको तो उसको यूज़ करें, और बाकी नहीं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। उसको छोड़ेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, वापस रिवर्स रोल हो जाएगा ये पूरा इंटीरियर वन बाई वन के साथ में। अब एक मुलाकात करते हैं जो हमारे कस्टमर साथी हैं, एक बार देखते हैं उनका क्या फीडबैक होता है हमारी गाड़ी को देखकर। हालांकि सुबह से डिलीवरी का टाइम होता है तो कस्टमर थोड़ा सा, हर आदमी को उत्सुकता होती है हमको गाड़ी मिल रही तो जल्दी ही आ जाते हैं, और सुबह से हमारे साहब लोग आए हुए हैं। उसके बाद अब तक जो भी थोड़ा बहुत भी उनको ऐसा लगा कहीं पेंट में टचिंग, कहीं कुछ साफ़ सफाई में कमी, वो सब हमने रेडी करने के बाद में अभी गाड़ी बाहर ली है, जिसकी हम अब वीडियो आपके लिए एक बना रहे हैं। तो अब देखते हैं फीडबैक उनका क्या रहता है। ये पूरा व्यू आप देखें तो पूरा टॉप व्यू, और अब मुलाकात करते हैं एक, क्या कहते हैं, किस तरह का उनका फीडबैक रहता है और क्या कहते हैं। तो अब थोड़ा सा एक बार मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं साहब से, क्या कहते हैं और किस तरीके से। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, तो इसमें हमने जो है ना 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसमें यूज़ किया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आप देखिए इसमें जो हमने लगाया है, ये सीट बेल्ट एकदम कार की तरह, हमने पहले भी 3-4 गाड़ियों में ये लगाया है। ये अब ये आप इसको अगर देखेंगे, थोड़ा सा मैं सीट को पुश कर देता हूँ, एक तो पुश होने के बाद में आपका जो पूरा वेट है वो बैक साइड में चला जाता है, आपको एकदम से ब्रेक लगेगा तो एक तो आपकी बैक एकदम पीछे है वो रुकी हुई है, प्लस साथ में आपका जो है ये, अगर मैं इसको ये, अब ये मैं यहाँ पे एकदम इस सीट के जरिए रुक गया हूँ, आगे नहीं जाने देगा। तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, कार में सब में कंपलसरी है, अभी गवर्नमेंट का रूल्स है कि साहब जो बड़ी व्हीकल है उसमें भी ये चाहिए ही, लेकिन कई बार चल जाता है, लोग नहीं लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर लोगों को सीट बेल्ट पहननी भी चाहिए, सेफ्टी पर्पज़ से बहुत अच्छा है। तो ये तो सीट बेल्ट के साथ में हमने आपको गाड़ी दिखाई, पूरा इंटीरियर आपको दिखाया। अब थोड़ी मुलाकात करते हैं जो हमारे कस्टमर साथी हैं, वो क्या कहते हैं और किस तरीके से उनका जो है फीडबैक हमको मिलता है। तो मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, और कैसे? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बस ठीक है, हम भी। ये सीट थोड़ी आगे कर देते हैं। तो सर, पहली बात तो ये कि स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे, आप आए, हमको एक आपने मौका दिया, हम पे ट्रस्ट किया, गाड़ी हमने बनाई आपकी, आपने अब गाड़ी देखी है, सुबह से आप आए हुए हैं, तो गाड़ी देखने के बाद अब आप क्या कहते हैं, कैसा आपका फीडबैक है, गाड़ी आपने देखी, क्या कहेंगे? सर ऐसे है, मुझे पहले से ही शौक था कि मैं 1x1 गाड़ी तैयार करवाऊँ, तो पहले भी मेरे पास ट्रेवलर आया है, लेकिन मैं उस टाइम पैसे की कमी लगा लो या कुछ भी बोलो, उस टाइम मैं नहीं तैयार कर पाया, मैंने पंजाब से ही तैयार करवाई थी। तो अभी जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे मतलब बढ़िया फीडबैक मिला है। अच्छा। जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, और देख के ऐसा मन खुश हुआ। पहले मैं सोच रहा था कि भाई कहीं मैंने पैसे ज्यादा तो नहीं लगा दिए, कहीं पैसा बेकार। हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भाई साहब को थोड़े और पैसे दूं, इतना मन खुश हो गया। सही बात है सर, इसमें कोई झूठ नहीं है, देखिए बहुत ही बढ़िया। होता क्या है, मतलब उंगल रखने की जगह नहीं है। मैंने सुबह से गाड़ी चेक करी अंदर बाहर से कि भाई कोई मुझे कमी दिखे तो मैं अभी करवा लूं, अभी मेरे पास टाइम भी है, लेकिन नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जगह मिली कि मैं बोलूं भाई ऐसे करो ऐसे करो। बाकी इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, इनके साथ मैंने थोड़ा बहुत बार कुछ सफाई के मामले में थी कुछ कमियां, वो मैंने बोली, वो मेरी उसी टाइम पूरी करी गई। बहुत ही बढ़िया सर। देखिए जैसा हम मैक्सिमम वीडियो के अंदर में और हर बार आपको ये चीज़ बताते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर जिनके लिए हम गाड़ी बना रहे हैं, हम जो उनको टाइम देते हैं वो टाइम पे, मान लीजिए आज की अगर हमने डिलीवरी डेट दिया है तो साहब को हम लोग बोलते हैं, कई बार खुद भी कोई भी आदमी गाड़ी लेनी है तो मॉर्निंग के टाइम पर ही आ जाते हैं।
हालांकि गाड़ी पहले से रेडी होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम जो होता है कस्टमर हमारी नजरों के हिसाब से, कस्टमर की नजरों का और हमारे समझने के हिसाब से कस्टमर का समझना या किसी और का समझना थर्ड पर्सन का, दोनों में फर्क हो जाता है। तो हमने अपने एंड पे साफ किया, हमारे स्टाफ ने साफ किया, कहीं कुछ छोटी मोटी चीजें एक्स्ट्रा होती है सर ये और कीजिए, तो वो सारी चीजें सर ने जो बताई हमको, एक दो जगह वापस बाहर में एक्सटीरियर में सिलिकॉन का था, एक दो जगह और थोड़ा सा साफ सफाई का था, वो सब जब सर ने बताया तो हमको लगा हाँ ये छूट गया हमसे पॉइंट। तो जो चीजें छूट गई है, जो जेन्युइन चीजें हैं, कोई भी मैं हूँ सर हूँ या कोई भी होगा, वो जेन्युइन चीजों के लिए बोलेगा कि भाई ये चीज है और हमको समझ में आई तो हमने करी हो। तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? अब तो बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ठीक है सर, तो थैंक यू आपका, आपने हमारा कहेगा थैंक यू हम कहेंगे आपका कि आपने हम पे विश्वास किया, आप हमारे पास गाड़ी लेके आए, आपने इतना पैसा गाड़ी में लगाया। तो एक दिमाग में कभी चलता है कि नहीं यार, हमने अगर पैसा लगाया तो हमारा पैसे का जो उसका पैसे का जो समझिए कि जो निचोड़ है या जो हमने इतना पैसा दिया उस पैसे की इन्वेस्टमेंट हमको मिल रही। कई बार होता है क्या, पैसा लग जाता है लेकिन पैसा लगने के बाद भी मजा नहीं आया तो दिल खुश नहीं होता, फिर अंदर से लगता नहीं यार पैसा हमारा बेकार गया। तो इतना पैसा लगाने के बाद जैसे मैंने कहा कि इस गाड़ी के अंदर सबसे टॉप मॉडल मैं इसको कहूँगा, 1x1 सीट है, हेड रैक है हमारा, आगे पेपर रैक है, बम्पर ग्रिल है, रोलर कर्टन है, फिक्स ग्लास है। इसके बाद अगर आप बोले इस गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा लगाइए, अपने पास कुछ नहीं बनता। तो जब इतना पैसा लगाने के बाद आदमी को लगे ना कि हाँ कुछ ठीक है, या कई बार लगता है नहीं मज़ा आया, तो हमको भी मज़ा नहीं आता कि हमने पैसा लिया, सामने वाले को अगर खुशी नहीं हुई तो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही बात है सर। ओके, तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट है जी आपके काम से। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी। तो सुबह से जैसे आप आए हैं, थोड़ा सा टाइम हल्का, हालांकि गाड़ी रेडी थी लेकिन आपने फ्रंट में बोला थोड़ा सा एक कलर चेंज करने का, उसके चलते थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, नहीं तो हमने आपको जो टाइम दिया था उस टाइम से पहले हमने आपको गाड़ी दी, बिफोर टाइम। तो बिफोर टाइम देने के हिसाब से आपको क्या लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हम खरे उतरे काम पे? बिल्कुल जी, आपने हमें 40 से 45 दिन का टाइम दे रखा था और हमें तो एक महीने में ही गाड़ी मिल गई है जी। हमने उस टाइम सोचा था कि मैं सर को बोलूं कि भाई हमें लोहड़ी के आसपास गाड़ी दीजिए, तो आपने फोन कर दिया था कि आ जाओ भैया गाड़ी ले जाओ, लेकिन वो हम नहीं दो दिन आ पाए, तो हमें मतलब टाइम से पहले मिली है जी। जी देखिए होता क्या, सब हम सभी अपने व्यूवर्स को बोलते हैं कि सर हम आप लोगों से एक से डेढ़ महीना 17 सीटर का लेते हैं, डेढ़ से दो महीना 26 सीटर का लेते हैं, लेकिन अगर हम कम टाइम लेंगे और फिर आपको ना टाइम से पहले नहीं देंगे गाड़ी तो हमको भी मज़ा नहीं आएगा। तो हम यही कहते हैं कि आप टाइम प्रॉपर दीजिए हमको, हमारी कोशिश रहती है कि हम थोड़ा सा पहले काम करके आपको दें, लेकिन समय हम आपसे पूरा लेके चलेंगे। तो ये हमारे जो साहब थे आमिर टैक्सी जलंधर, और सर ने गाड़ी बनवाई है, हमने आपको गाड़ी दिखाई पूरी, अभी गाड़ी मार्केट में जाएगी, उसके बाद क्या इनका फीडबैक और रहता है, गाड़ी में और क्या कमियां नज़र आती हैं, या क्या इसमें कुछ और बाकी जो और कस्टमर साथी होते हैं क्या कमेंट करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, वो बाकी फीडबैक हमको जो साहब है हमारे आमिर टैक्सी वाले उनसे बाद में फीडबैक मिलेगा। बाकी फ़िलहाल गाड़ी आपके सामने, आज की अगर हम बात करते हैं तो सर की अंदर में या सर के हिसाब से कोई कमी हमारी गाड़ी में नहीं रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहें, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है आइए सर आइए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो व्यूज़ हैं, जो अपनी जो सुझाव है, जो कमेंट है, वो कुछ कीजिए हमको, समझिए और हमसे हमको समझाइए कि हम किस तरीके से और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत। चलिए तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं भविष्य में फिर दोबारा आप जरूर आएंगे, हम मुलाकात करें और मिलते रहें। तो थैंक यू व्यूअर्स, जो लोग नए हैं कृपया चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो हमको पूछ सकते हैं, नंबर है 9680776402। थैंक यू, धन्यवाद।